एयर पोल्यूशन में हमने पहले डिस्कस किया उसका डेफिनेशन, उसके इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये है कंट्रोल मेजर ऑफ एयर पोल्यूशन, कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। कंट्रोल मेजर्स में अगर हम देखें तो एयर पोल्यूशन को हमको रोकना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, जो सोर्स है या उसको रोक दें। तो मेन सोर्स क्या है इसका, फॉसिल फ्यूल। तो फ्यूल को अगर हम चेंज कर दें, फ्यूल सिलेक्शन, हम ऐसा फ्यूल सेलेक्ट करें जिससे कि पोल्यूशन हो ही ना, ये एक तरीका है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, दैट इज नोन एज फ्यूल सेलेक्शन। सेकंड, हम क्या करें कि जिस तरीके से फ्यूल बन रहा है, जिस तरीके से एयर पोल्यूशन हो रहा है, उस प्रोसेस को ही हम मॉडिफाई करें, प्रोसेस मॉडिफिकेशन, ऐसा प्रोसेस हम देखें जिससे कि पोल्यूटेंट्स बने ही ना, कोई ऐसी टेक्निक लगाएं जिससे कि पोल्यूटेंट जनरेट ही ना हो, ये कहलाता है प्रोसेस मॉडिफिकेशन। और जो थर्ड बेसिक पॉइंट है वो है जोनिंग, जोनिंग या साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन, या जिसको हम शॉर्ट में जोनिंग भी बोलते हैं, जोनिंग। जोनिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा जगह हम सेलेक्ट करें जहां पर एयर पॉल्यूट कम हो रहा या नहीं हो रहा, किस जगहों पर, जैसे कि आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो हालांकि ये जो प्रोसेस है ये आज से 25-30 साल पहले नहीं थी, ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेस आई है, सिलेक्शन ऑफ साइट या जोनिंग। इसमें क्या करते हैं कि जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको अलग साइड में करते हैं और जो इंडस्ट्रियल या कंस्ट्रक्शन वाले एरिया है उनको शहर के बाहर रखते हैं। अब कंस्ट्रक्शन वहां होगा, इंडस्ट्री वहां होगी, सब कुछ वहां होगा, तो क्या होगा उससे, सिटी में एयर का पोल्यूशन नहीं होगा। जब एयर पोल्यूशन नहीं होगा तो डेफिनेटली उसके एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। तो ये तीन मेन स्टेप्स है जिससे कि हम एयर पोल्यूशन को काफी हद तक कमजोर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमको डे टू डे लाइफ में इंडिविजुअल लेवल पे करनी होगी जिससे कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो। तो सबसे पहला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम कहीं भी जाते हैं अपनी गाड़ी से जाते हैं, और तो और टू व्हीलर से ना जाकर के फोर व्हीलर से जाते हैं। अब आप सोचिए कितना फॉसिल फ्यूल जलता है और कितना पॉल्यूशन होता है। अगर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है तो ये व्हीकल का यूज कम करना पड़ेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, एक बस जा रही है, एक बार जितना पोल्यूशन करेगा तो उसमें 40-50 लोग एक साथ चले जाएंगे, ट्रैफिक कंजेशन भी बचेगा और एनवायरमेंट भी सेफ रहेगी और हमारा पैसा भी कम लगेगा, नो डाउट। तो हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन के उसमें। इसके साथ जो छोटी छोटी दूरी है, कहीं पास में जाना है तो उसमें हमको साइकिल यूज करना चाहिए। बाइसिकल से दो तीन फायदे हैं, हेल्थ भी अच्छा रहता है, पोल्यूशन भी नहीं होगा। ऑफिस या घर में लगी हुई जो चिमनी है उसके फिल्टर को रेगुलरली चेक कराना चाहिए ताकि उसमें से हार्मफुल गैस भी मत हो निकले और उसका जो लीकेज है वो एटमोसफियर पे भी ना जाए। पेंट, वार्निशेज, इनमें जो हार्मफुल मटेरियल रहता है, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि घर पेंट हुआ हो, रूम बंद है और आप बैठ जाए वहां 1 घंटा, आप बैठ के देखिए, या रूम 10 दिन से बंद है और अंदर जाके देखिए, आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगेगा, हेडेक होने लगेगा, क्योंकि उसमें जो पॉल्यूटेंट मिले हुए हैं, जो सॉल्वेंट मिले हुए हैं पेंट और वार्निश में कलर बनाने के लिए, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़ते हैं जो टॉक्सिक रहते हैं। तो हमको उसको उसकी बजाय सेफ मटेरियल यूज करना होगा। हमेशा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीद रहे हैं उनमें स्टार रेटिंग देख के खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टार रेटिंग है तो पॉल्यूशन कम करेगा और एनर्जी ज्यादा सेव करेगा। तो एनर्जी का सेविंग भी एक तरह से पॉल्यूशन कम करना ही है।
कहीं पर भी अगर ड्राई लीव्स है, ड्राई वेस्ट है, प्लास्टिक है, तो इसको तुरंत मत जलाइए। आजकल उसको डिकम्पोज करने का प्रोसेस आ गया है। देखिए जितने लीफ है, प्लांट के वुड मटेरियल है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, सब में तो सोलर एनर्जी ट्रैप्ड है ना। और जब हम जलाते हैं तो वो थर्मल एनर्जी और गैस के फॉर्म पे, अनयूजल फॉर्म पे निकल जाती है और एनवायरमेंट पे रिलीज हो जाती है। वो पॉइजनस गैस बनाती है, इसलिए वो भी नहीं जलाना है। गैसोलीन का उपयोग कम से कम करना है, एयर कंडीशनिंग का भी उपयोग कम से कम करना है, और हमको फॉसिल फ्यूल की जगह, ये जो फ्यूल सिलेक्शन है ना, फॉसिल फ्यूल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर जाना है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस मतलब जैसे कि हम सोलर एनर्जी ले लें, विंड एनर्जी ले लें, हाइडल एनर्जी ले लें, इस टाइप से हमको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ानी है आजकल। इसीलिए जो नए इन्वेंशंस हो रहे हैं उनमें सिन कार चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इन तीन बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेकर चलना पड़ेगा, जिसके कारण से पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है, और साथ ही गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा कंट्रीब्यूशन भी उसमें बहुत जरूरी है।